मध्य प्रदेश शासन ने रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा योजना के तहत गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को साल 100 दिन का रोजगार देने के लिए योजना आरंभ की, जिसमें गरीब परिवार के लोग अपना भरण पोषण करके अपना परिवार चला सके। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ही ऐसी भी ग्राम पंचायत है जहां गरीबों के खातों में शासन का पैसा डलवा कर सचिव सरपंच अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। मामला जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मकूरा का है, जहां पर लोगों के खातों में पैसा डलवा कर अपनी कमाई कर रहे हैं। जब बात की जानकारी हमारी मीडिया टीम को पता चली तो हमारी मीडिया रिपोर्टर श्रीमती शिवानी गुप्ता एवं उनके कैमरामैन वहां पहुंचे तो लोगों ने खुद कैमरे में आकर क्या कहा, आइए सुनते हैं हमारी इस खास पेशकश में। आप खुद सुने क्या है सच्चाई, आखिर किसकी बात सत्य है। तहसील सिहोरा से शिवानी गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम रज्जू लाल लोधी, ग्राम पोस्ट मकुरा। मकुरा, पता चला है कि आपको बिना मजदूरी करे आपको पैसा मिल रहा है। हाँ। कैसे? अब ये मैं तो किसकी मेहरबानी पे, ये अब सचिव सरपंच साहब की मेहरबानी से है। क्या नाम है सरपंच सचिव का, थोड़ा बोल दो। संतराम पटेल। संतराम पटेल? हाँ, सरपंच का नाम है संतराम पटेल। अच्छा, बिना मजदूरी के आपको मजदूरी मिल रही है, बहुत ज्यादा नहीं मेहरबान हो रहे हैं आप। मकुरा, अरिया, चिखली, मधोबर, दिवरी, अगरिया, ये सभी लोग यहाँ से बुधुआ घाट से हर प्रतिदिन निकलते हैं, आवागमन होता है। यहाँ पे एक पुलिया निर्माण जरूरी होगा। तो इसका आपने गांव वालों ने आवेदन नहीं दिया? अभी आवेदन दिया नहीं दिया, लेकिन हम देने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रज्जू लाल लोधी, ग्राम पोस्ट मकुरा,